कि दो मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे आपस में। तो किसी बात पे उनकी अनबन हुई, तो वो अब सामने तो लड़ नहीं रहा था, सामने नहीं लड़ रहा था, लेकिन सामने तो तारीफ भी कर रहा था उसकी और सह भी रहा था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बड़ी बुराइयां कर रहा था। कुछ दिन बीते, एक दिन उसके मित्र ने वो बुराइयां उसकी सुन ली। तो अब ये जो परिस्थिति आती है, उस व्यक्ति को, वो जो उसका मित्र है, उसको क्या करना चाहिए था ऐसी स्थिति में? एक जो साधा जो जो किसको जो जो सुन रहा था या जो कह रहा था? नहीं, जिनने सुनी है भी उनकी बुराई कर रहे। हाँ, जिसने सुना कि मैं तो इतना विश्वास करता था, ये मेरी बुराइयां। और मैं तो, मतलब मेरे मुंह पे तो ये इतना अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, लेकिन पीछे पीठ पीछे ये बुराइयां। मेरे लिए ऐसा बोल रहा है। तो जब ऐसा व्यक्ति कुछ सुन लेता है, तो उस समय क्या स्थिति क्या होनी करना? चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? स्थिति यही होनी चाहिए भी। एक तो ये समझ लेना चाहिए अभी सारी दुनिया सारे संत लोग कह के थक गए हैं। थके तो क्या है, उनका तो धर्म है, वो चले जाते हैं संसार से। असर हमारे जैसों पे अधम लोगों से होता नहीं है। हम और आप जो भी जिसके ऊपर भी नहीं असर होता है, मैं माफ करना सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा तो है ही, तो असर नहीं होता है लोगों का जब तक अपने सर पे ना पड़े, जब तक उनको ये पता ना लगे वो तुम मेरा इतना, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो मित्र हो कोई भी हो, है ना, सगा संबंधी हो। लेकिन सारी सारी वो अभी मिथ्या झूठा सारी दुनिया ये कहेगी ना, मिथ्या ये सब संसार सब कुछ। ये तो ये मोस्टली लोग क्या है कि एक दूसरे को खुश करने के लिए ये निंदा चुगली क्यों करते हैं। निंदा चुगली अपनापन बताने के लिए, यार मैं तेरे को बता रहा हूँ उसकी बात ये वो, मतलब है भी लड़कियां भी अपने एक दूसरे को बड़ा क्लोज होने के लिए, तू तो मैं तो बहुत अच्छे हैं, हम जैसा तो कोई है ही नहीं, बस वही बुरी है वही बुरा है। तो वो ये इतना इतनी छोटी सोच है, इतनी मतलब ये सोच नहीं सकते। वो कबीर साहब ने कितना बड़ा कर दिया है कि वो हमारे पाप तो होता है कि नहीं, के बिना बिना साबुन और बिना उसके साबुन पानी इसको ये बिना समझ, दिन आपका भर पहले मैं चले। उसका आपका जवाब दे दूं, ये मित्र को क्या समझना चाहिए कि मित्र को कबीर साहब की वो बाणी सुननी चाहिए भी, हाँ भी ठीक है वो, ये तो मेरा ये जो कोई कर्म ऐसे मेरे बुरे हैं, पाप प्रभु प्रभु ने मुझे कितनी सुंदर मतलब के ये दे दी है ड्यूटी कि मैं तो सबको अच्छा समझता हूँ, मैं तो इतना अच्छा समझता हूँ और मैं हूं भी अच्छा, लोगों का भला चाहता हूँ भला समझता हूँ सबको अच्छा समझता हूँ, लेकिन इसको बेचारे को क्या ड्यूटी देती प्रभु, इसको सद्बुद्धि बख्शो, इसके लिए प्रे करे, कहते प्रभु इसको थोड़ी सद्बुद्धि बख्शो, ये बिना बात के मेरे खिलाफ बोल रहा है, हालांकि मुझे क्या असर पड़ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। निंदक हमको लगे प्यारा, नित उठ धोवे मैल हमारा, धोवे मैल मजूरी नहीं मांगे, इस निंदक को हम कैसे त्यागे। तो ये वाली बात उसको समझ लेनी चाहिए, ये दोहा पढ़ना चाहिए भी, ये क्या अपन, अब ये तो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, जो हमारा जो कोई भी कोई ऐसा कर्म किया होगा जिससे मेरी निंदा करने से मेरे पाप धो रहा है, ये तो उसको करना चाहिए। लेकिन जो कर रहा है उसको सोचना चाहिए भी कोई इन चीजों में कोई फायदा नहीं है, हालांकि नुकसान ये है मेरे जैसा जो थोड़ा बहुत जो समझ रखता है ना, क्योंकि मैं संतों का संग किया है जीवन में, मेरे माता पिता का संग किया है, बुजुर्गों का संग किया है, जो आदमी किसी के खिलाफ भी जब भी बोलता, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने पता नहीं किसने प्रसंग सुनाया था रोजी आपने कुछ दिन पहले, कि वो कहता है कि मैं ना नया यहाँ पे आने में, मैं यहाँ सोचता हूँ इस नगरी में बस जाऊं तो कैसे हैं अच्छा, यहाँ के लोग, मैं कैसा मैं रहेगा, सुनाया किसने था। हाँ, सुनाया था, जान मैं दीदी ने सुनाया, तो सुनाया उसने कहा भी जहां से तू आया है वहां के लोग कैसे हैं, वो वहां के कहता लोग वहां कैसे हैं? निकम्मे वहां गंदे ये वो, कहते अच्छा ये ठीक नहीं है तू जा रोकती कहीं रहे, और रोकती जा। रहे। और अगर वही एक और सज्जन आया तो कहते भाई मैं यहाँ रहना चाहूँ, सेम आदमी से पूछा तो उसने कहा भी अच्छा जहां से तुम आए थे पहले जा रहे थे वहां, क्या कहते तो बहुत अच्छे लोग थे बड़े, वो भी बड़े प्यारे थे, लेकिन मेरी मजबूरी है मुझे मूव करना पड़ा, यार जॉब यहाँ लगी, कैसे हैं लोग, कहते तो बहुत अच्छे हैं यहाँ रुक जाओ। तो मतलब बात का ये समझना चाहिए भी, जो आदमी अपने मित्र के खिलाफ बोल रहा है आपके सामने, दूसरे मित्र के खिलाफ, मान लो एक मित्र का
मैं भी उसका मित्र हूँ या मैं भी रिश्तेदार हूँ, दूसरे रिश्तेदार के खिलाफ हो रहा है, तो मुझे ये इतनी कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि मेरी काम करनी चाहिए भी, आज अगर वो उसके खिलाफ बोल रहा है ना, तो ये इंसान मेरे खिलाफ बोलेगा ही बोलेगा। इसमें इसको आदत है, सबकी आदत होती है, किसी को सबकी तारीफ करने की आदत, उसमें मेरे जैसा है, जो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमने संतों का संग किया है, वो आप केले खाओ छिलका फेंक दो, अगर किसी में कोई नुक्स है, अगर हाँ बताना भी है, अगर उसको आपने चाहते हो, चाहता कोई नहीं है, माफ करना चाहता कोई नहीं है, सब कहते हैं भी उसकी बुराई होती रहे, मैं अच्छा बना रहा हूँ, मेरा बस सिक्का बना रहे, मैं बड़ी अच्छी बनी रहूं, बाकी दूसरी जेठानी देवरानी और ननंद के खिलाफ कोई बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा इसमें इसमें मेरा हावी रहेगा, मेरा जो कैरेक्टर है भी, हाँ मैं बड़ी अच्छी हूँ वो अच्छी नहीं, ऐसा मत करो। जिसमें कोई भी अगर एक भी, क्योंकि भगवान ने बनाया ना, तो आप किसी की अगर हद तक कर रहे हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव आदमी है कुछ भी है, लेकिन आप क्यों बोलते हो? अगर उसको वाकई सुधारना है आपने, तो उसको जाके पर्सनली, उसका परिवार भी ना हो, सिर्फ वो भाई यार ये तूने ये जो बात बोलता है ना कि हमारे खिलाफ इतनी बातें बोलता है, या ऐसे तो कर्म है तेरे, वो आदत है किसी हर एक के नुक्स निकालने की, अच्छा नहीं इंप्रेशन पड़ता है भाई बहन मेरी, ये अच्छा नहीं लगता है, ये सारी दुनिया ये समझते है कि तुम दूसरों को भी खिलाफ बोलते हो, ऐसा मत करो। और मैं आपके लिए प्रे करता हूँ, मैं 3 घंटे सत्संग सुनता हूँ, मैं जल में वहां रखता हूँ, तो वहां वो जल में ऐसी भारी शक्ति है, स्मरण शक्ति, वो अगर पियोगे तो मैं तो थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, तो तुम भी ठीक हो जाओ, ये लो जल पियो, ये इतना वो सारी उम्र भूल नहीं पाएगा इंसान आपको, जो भी है चाहे वो कोई भी है, तो उसको वो ये पियो, आप में थोड़ी शांति आएगी, किसी के खिलाफ मत बोलो, ये तो आपके खुद के कर्म है, अगर आपको कुछ भी उसने कहा भी है, कुछ गलत है, ये वो मतलब ये अपने ऊपर लो, जैसी आपने गेंद फेंकनी वैसे ही वापस आनी है कि नहीं, जैसा आप करेंगे ना जीवन में, जो कुछ सोसाइटी को, जो रिश्तेदारों को, जो जानकारों को, जो कुछ भी आप देंगे ना, वही वापस आपको मिलने वाला है, आपकी तारीफ करने की है तो आपको तारीफ मिलती रहेगी, संगत से भी, संतों से भी, सारे इधर उधर रिश्तेदारों से भी, हाँ ये बंदा है यार इस तरह। और एक बात और बता, अगर आप किसी की निंदा नहीं सुनते ना, निंदा सुनने में भी वैसे तो आनंद आता है आम आदमी को, और जब हम इस तरफ 3 घंटे लगाते हैं तो हम पे तो पूरा असर होना चाहिए ना, भी हम इतना समय इस पर लगा के और फिर वो निंदा चुगली के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भगवान कहेगा भी ये तो इसको तो असर ही नहीं है किसी, वैसे कह रहे हैं हम भी, हम पाठ इतना करते हैं, हम सुखमणि साहब पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन असर हो ना, तो वो लोगों को ये कुछ नहीं लेना देना उन्होंने, चाहे आप 24 घंटे पुस्तक निकाल के, पोथी निकाल के पढ़ते रहो, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपकी सोच ठीक नहीं है, तो कोई असर होने वाला नहीं है उसके ऊपर। मैंने सुना, खुद सुना है संत सिंह मस्कीन जी को कथा में कहते हुए, कहते हैं मैं एक बार गया किसी समागम में, तो वो उन्होंने बताया कि ये समागम इसलिए रखा है कि उसने 5,000, जहां तक मुझे याद है, 5,000 सुखमणि साहब के पाठों का भोग डाला है आज, तो इसने ये पाठ रखाया ये, और वो कहने लगे कि जिसने पाठ इतने किए थे 5,000 सुखमणि साहब के पाठ, उस इंसान में इतनी रत्ती भर भी मतलब के वो नहीं थी, क्या उसको बोलते हो, ह्यूमिलिटी को क्या बोलते हैं, नम्रता, विनम्रता, दया, उसमें एक रत्ती भर भी नहीं थी, सारे के सारे कहते हैं उसके मतलब कुएं में गिरे मेरे ख्याल से, कहते हैं भी उसको इतना नहीं है, इतना अहंकारी आदमी, और तो इसलिए जितना मर्जी पढ़ दो, वो कहते हैं ना पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोए, आई अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित हो, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है, ये सिर्फ, या हम जो 3 घंटे यहाँ बैठ के ऐसे समझते हैं बस, हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं, या कोई तीर्थ यात्रा करके आ जाता है ना, तो समझता है कि मैं तो भाई चारों धाम के दर्शन कर लिया, मेरा तो कल्याण हो गया, मैं तो गंगा जी में स्नान कर लिया, मेरे से ज्यादा पवित्र कौन है, ये सब ऐसे झूठ हैं, सब ऐसे, जब तक प्रभु ना यहाँ आपके हार डालें,
मेरे को आप जितना मर्जी, अगर जो मुझे मुझे आप चाहे हार पहना दे, मेरे पे फूल बरसाएं, मुझे समझे यार ये तो बड़ा अच्छा गाता है, ये वो देखो, हो सकता है मैं गले से गाऊं, हो सकता है मैं दिल से, मैं मतलब के ना गा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कोशिश करता हूं, माता पिता का अच्छा बेटा हूं मैं, कोशिश करता हूं मैं, क्यों बापू शारदा राम का बेटा हूं, कृष्ण भगवान का सखा हूं, तो मैं कोशिश करता हूं अच्छा इंसान बन के रहूं, मैं बात करता हूं, चाहे यहाँ पे जितना मर्जी दुनिया में ऐसा आपका ये हो जाए, वैसे ऐसे तो ये मान भी प्रभु दिलवाते हैं, ये उसकी कृपा है, लेकिन साफ लिख दिया उसमें गुरबाणी में अपने, साफ लिख दिया है हरभजन सिंह जी के, कहते हैं कि जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा में जानिए नाल चले सब होए, चंगा नाव रखाए के जस की रस जागले, किस नजर ना आवे तबा न पूछेगे, जैसे मर्जी आपकी उम्र हो जाए, जितना मर्जी दुनिया आपके साथ चले जाए, चाहे आप जो मर्जी हो, ठीक है ना बलदीप जी, ये अपन बाणी सिखा और गुरु नानक देव की बाणी है, बिल्कुल पहली पातशाह उन्होंने लिख के चले गए ने, इस करके तुसी ये सोच के चलो भी अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और जेड़ा बुरा है या तो कोई अजनबी है, आप एक बार मिले हैं उसको क्या समझाएंगे, उसको अपने माता पिता भाइयों को असर नहीं हो तो उसको क्या समझाएंगे, टाइम ना वेस्ट करो, नेगेटिविटी से रहो दूर, हैं रोजी सॉरी मैं लंबा कर देता हूं बात को, नहीं नहीं लेकिन बहुत अच्छा आनंद आ गया, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा बोला, तो मतलब बात कोशिश ये करनी है नेगेटिविटी से दूर रहना, लेकिन अगर आपको रिश्तेदारी जब रोज का ही वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है क्या नहीं, तो फिर उसको आपने समझाना है, अकेले में बैठ के उसकी जो पहले जो तारीफ है ना, सच्ची तारीफ, ये भी बता दूं दुनिया बड़ी समझदार है, सब कुछ को सबको पता होता है मुझ में कितना है, ये बात ये सच्ची कह रहा है या ऐसे मुझे खुश करने के लिए कह रहा है या चापलूसी कर रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसलिए वी शुड बी लेविश इन ट्रू एप्रिसिएशन, ऐसा नहीं है कि एप्रिसिएशन भी करनी है तो सच्ची सच्ची में, लेकिन खुल के करनी चाहिए, ये आपकी आदत इतनी आपको इतने आपको प्यारा बना देगी सबका कि, लेकिन सच्ची कईयों ये आदत सबकी नहीं होती है, ये एप्रिसिएशन की ना, सबको तारीफ करने की, क्योंकि दूसरों की तारीफ अपनी तारीफ सुनने के लिए लालायित रहते हैं हम लोग, लेकिन दूसरों की तारीफ की जब बात आ जाए रिश्तेदारी में या दोस्ती में, तब हाँ ठीक है बंदा तो ठीक है, हम माड़ी नहीं है वैसे मेरी दस या वो ठीक, वो खुल कर एक बात कोई कहे तो उसके साथ अपनी सास की, अपनी बहू की, अपनी मतलब के ननद की, अपनी भाभी की, जो जो अच्छी बातें सारी आप उजागर कर दो, वो कहें भी वाह ये है, ये जीवन है, क्योंकि इसी में वो भी प्रभु के है ना, आप अगर किसी का नुक्स निकालते हैं तो इसका मतलब प्रभु की वो रचना है, उसका आप नुक्स निकाल रहे हैं, ये सोच के भी मत निकाला करिए सब, हाँ अगर बताना ही है तो उसको अकेले में बैठ के तो प्लीज ये थोड़ी सी, वैसे तो आप तो इतनी तारीफ तो पहले बेटर बातें करके उसको भी थोड़ा बुरा ना लगे, अच्छी बातें करके यार कमाल है तेरा यार, बहुत सुंदर तो इतने सुंदर कपड़े पहने, चाहे कोई भी तारीफ करो कपड़े है कुछ है उसका बात ही लेकिन ये इस बात का थोड़ा ख्याल रखो, क्योंकि आई लव यू सुनो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब बताएंगे नहीं, बिकॉज पीपल आर यस मैन, हाँ हाँ सब सामने बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन आप असली सही मित्र हैं तो उसका थोड़ा बहुत जो कमी है, तो इसलिए ये बात करने का इसलिए मैं बता रहा हूँ भी, जो मुझ में कमी है आप ओपनली बता दिया करो, आप ऐसा मत कहो यहाँ बड़ा सुंदर गाया मैं, चाहे मैं गले से गाया हूँ तो उसको बोलो नहीं थोड़ा सा भाई ये आप इसमें आपका ये नुक्स है, जैसे मधु बता देती है मुझे भी मेरा भी बंद क्यों करते हो या कुछ भी ये तो इसलिए मैं मधु जी को नमस्कार करते हुए क्षमा मांगता हूँ, अगर कभी अगर मुझ में कोई कमी है तो प्लीज बता दिया करो, ऐसा मत करो, ठीक है ना, क्षमा मांग रही हूँ, नहीं 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 अगर मुझ में कोई कमी है, कोई गलती से हो गया हो तो वैसे मैं जान के झूठ नहीं करता, बहुत अच्छी प्रेरणा देती है जी, बहुत अच्छी प्रेरणा, थैंक यू थैंक यू, बहुत सबको अमल हो जाने चाहिए, हाँ जी सब तो अमर होना चाहिए,
हाँ जी ऐसे रोशनी भी पूछा, मान लो हमारी रिश्तेदारी में है कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जिसको सुन लेते हैं, उसको बोलना तो नहीं चाहिए कि हमने ये सुना है। वैसे तो सुनना गलत बात है किसी की, ऐसे अगर भाई बहन सुनते हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए, बेटर है। दोबारा से कहो, एक तो सुनना नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो सुनना या करना वो एक ही बात है, मैं सच बता दूंगा आपको। और मुझसे तो कई परेशान भी हो जाते हैं जानकारी में, रिश्तेदारी में, यार तू हमारी बात भी नहीं सुनने के लिए तैयार है, ये वो। मैंने कहा कोई सुंदर बात है किसी की तो मेरे को बता दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अभी पता है उसका फलाने का भी कुछ इस तरह का है, उसका मूड या उसका स्वभाव ऐसा है, तो बार बार क्या बताना है मतलब मुझे। हाँ बताओ, अभी क्या पूछ रहे हो आप, क्या पूछ रहे हो? नहीं भैया मैं तो ये सुने, अगर बाई चांस मान लो आपकी बात कोई ऐसा रिश्तेदार है, आपकी बात अपने दूसरे रिश्तेदार से कर रहे हैं, बस तो वो बात सुननी है अजीब है, बाई चांस हम खड़े हैं सुन नहीं सकते, तो उसको छोड़ देना चाहिए, तभी बात खत्म हो जाती है। अगर फिर हम पूछेंगे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं फिर बात बढ़ती बढ़ जाएगी। हाँ क्लैरिटी करने के लिए, हाँ ना तूने मेरे लिए इसलिए ये बोला था कि नहीं, ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। उसने कहा उसकी उसके अपने संस्कार हैं, ये हमारा को इस जन्म का थोड़ा है, हम पता ही नहीं ये आत्मा कब से प्रभु ने बना दी है, मतलब हजारों हमने जन्म ले लिए, क्या क्या कर्म किए हुए हैं कितने। कोई कोई बच्चा जो होता है जन्मते ही स्माइल देखते ही वो एकदम चैन में स्माइल है, वो कई बच्चे बेचारे 5-5-6 साल तक रोते ही रहते हैं, परेशान है, दुखी है, डर जाते हैं, ये वो, उनकी पता ही नहीं क्या क्या सब के क्या क्या संस्कार हैं, कितने जन्म में क्या क्या कर्म किए हुए हैं उन्होंने, वो सारे आते हैं ना। ये कहते नहीं है तुलसी पिछले कर्म ते पिछली तुलसी पिछले पाप ते हरी चर्चा ना सुहाए, पिछले हमारे को काम ऐसे किए हुए होते हैं कि हमें ये हरी चर्चा सुहाती नहीं है, या क्या यार टाइम वेस्ट कर रहे हो ये 3 घंटे, लोग आपको कहते होंगे, क्योंकि वो ऐसे कर्म किए हुए अच्छी नहीं लगती उनको। और ये क्योंकि ये सत्संग है ना, जो एक तरह का आईना है, शीशा है, मिरर है, हमें जो दिखाता है अपने आप को भी हम कितने पानी में, क्या क्या हमें समझाता है, तो इसलिए वो अपना आईना जो कुरूप इंसान है ना, खास करके हम तो सब इतने सुंदर हैं, जो कुरूप इंसान है ना वो शीशा देखना इतना पसंद नहीं करता, जो कुरूप जिसके विचार है, जिसका मन अच्छा नहीं है, वो सत्संग में सत्संग रूपी मिरर को देखने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको इसमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसको पता है कि मेरा सत्य मेरे सामने आ जाएगा, इसमें मेरे खिलाफ मेरे ऊपर इतनी बातें लगेंगी जिसका कोई हिसाब नहीं, पूरी कथा में अगर हम दिन भर की चर्चा, तो खैर एनी वे उसको नहीं बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। और पर हरी में तो हरी भजन में तो बिल्कुल कुछ भी उसमें ऐसा आना नहीं चाहिए, हालांकि थोड़ा सा जब मन विचलित होता है तो प्रभु में भी मन लगना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सोच के चलो भी मैंने उसको पिछले जन्म में उसकी ये आलोचना की हो, कविता सच्ची बता रहा हूँ, आप ये सोचें कि वो रिश्ते मेरे खिलाफ बोल रहे हैं ना, उसको अगर आपको पता लग जाए तो उसको भी ये बोलो, आपके पास आगे से कभी कोई खिलाफ बोलने के लिए आएगा ही नहीं, अगर आप ना सुनेंगे ना किसी की आलोचना तो कोई आएगा ही नहीं करने के लिए, कहेगा भी ये तो रॉन्ग नंबर है, यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो सुनता ही नहीं अच्छी तरह। और दूसरी बात ये, उसको बोल दो हाँ यार उसने अगर बोला ऐसा तो मेरे में होगी ये कमी, अगर नहीं भी है तो मैंने पिछले जन्म में उसके खिलाफ कुछ ऐसा बोला होगा जो मुझे ऐसा बोल रहा है, ये ऐसे तो होता ही नहीं है ना, ये तो ये जीवन में जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो इसलिए मैंने उसके खिलाफ बोला होगा भाई, लेकिन मैं अब नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अभी पिछले जन्म का उसका हिसाब मेरा खत्म है, अभी नया मैं अकाउंट नहीं खोलना चाहता इस मामले में, तो इसलिए वहीं छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं कहता, उसको कहा है उसका अपनी मौज है, मेरी अपनी सोच है, ऐसा कहना चाहिए। है मुश्किल, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर हम भी नहीं कर पाएंगे ना जो इतने सत्संगी लोग हैं, तो फिर हमारे लिए अच्छी बात नहीं, ठीक है ना। मैं कुछ शब्द ऐसे सख्त नहीं यूज करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ प्यार वाले शब्दों से हम एक दूसरे को समझा पाए, लेकिन मुझे ऐसा मतलब
वो बड़ा आ रहा है भी, हम लोग भी अगर ना मतलब के इस तरफ जुड़े और अच्छाई तरफ ना जाए ना तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं, बस ये समझ। प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है जो चीजें बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे प्रैक्टिकल एक एक दिन में आपको फर्क पड़ेगा, एक एक दिन में। ये सोच के चलो भी आज मुझे उसने कहा था आज मेरे थोड़ा सा कम असर हुआ है, क्यों? क्योंकि मैं सत्संग में जाता हूँ, मुझे सत्संग में उसका फायदा उठाना है, ना कि ऐसे ही 3 घंटे मेरा खराब चला जाए टाइम, क्यों मैं इतना लगाता हूँ। उसका असर पूरा होना चाहिए दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर, अपने आप के स्वभाव के ऊपर। एक नया, एक नई कविता, एक नया रोजी, नया बुध प्रकाश एवरी डे सवेरे उठ के, तो अभी आज मुझे कृपा बैठ बैठ एक एक सांस जो है ना, मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ, मैं अच्छा मतलब इंसान बन रही हूँ, इस तरह का हमने सोच के चलना, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर वही टाइम वेस्ट है। 5,000 सुखमनी साहब के बाद भी अगर इतने बड़े संत जो दुनिया का 20 साल की उम्र में उन्होंने कथा करनी शुरू कर दी, इतना ज्ञान के भंडार, तो वो कह रहे हैं अभी उसका कोई फायदा नहीं। 5,000 सुखमनी साहब पढ़ने, मैंने तो 5 भी नहीं पढ़े होंगे जीवन में टोटल। तो ये आम ये ध्यान रखना है भी, इसलिए संतों साधुओं के पास जाके कभी ऐसा मत करो कि आज मैंने तो 50 कथाएं कराई हैं, मैं तो रोज ही 3 घंटे, जब जैसे अभी जाऊं मैं उनके पास जाऊंगा, मैं संतों के पास जो जय सच्चिदानंद वाले आनंदपुर वाले संत आए हुए हैं, मैं जाके अपना ऐसा करने लग जाऊं, ये तो बिल्कुल खाली जाना पड़ेगा, खिले जाना पड़े, सूरदास जी की तरह मैं अधम से अधम, मैं अधम से अधम, मेरे में 100,000 नुक्स है इस, तभी वो कृपा करते हैं भी यार ये बंदा ठीक है। अगर आप अभिमान करेंगे जो हम तो रोज करते हैं सत्संग तो ये है वो है वो खुद के सब दुनिया को पता रहता है, संतों को खास करके संत जनों को साधुओं को सब पता रहता है भी आपका क्या क्या अवस्था है, आपकी ये स्पिरिचुअलिटी में क्या अवस्था है, कभी ऐसा गुमान कभी कभी मत करोगे आप, पूछें तो जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि मैं अभी जो इस तरफ जुड़ा होता है ना, जो इस तरह की बात में थोड़ा सा हाँ हामी भरता है या सुनता है बात, तो फिर उसको बता देते हैं ताकि वो भी जुड़े भी, हम तो चाहते हैं ये भी, ये धर्म प्रचार प्रभु क्या करते थे बापू शरदा राम जी कहा करते थे कि बहुत सुंदर बात है, इसमें आप धर्म प्रचार करोगे प्रसार करोगे तो इसका बहुत सुंदर बात है, ये बड़ी आपको इसका फल मिलता है, ठीक है ना। आपको तो आपका भैया गट-गट की जानत वाले बुरे की पीर पहचानत, हाँ ये संत लोग तो सब जानते हैं, इसलिए एकदम नम्रता से देखो ना हर बात पे। हरभजन सिंह जी हैं, हम सभी आपको तो खैर असर है, बापू हर भगवान जी की कृपा है, संतों की कृपा, क्या उन्होंने लिखवाया है, खुद लिखते हैं लेकिन वो लिखवाया है, ये है, ऐसा ही सोच होनी चाहिए हम सब की भी, वही है करता वही है, हम तो ऐसे ही बस। कितना सुंदर मैंने पढ़ा था, माय गॉड, मुझे तो याद करना चाहिए हम सबको, कि क्या था वो मेरे पास सामने नहीं पढ़ा है, शेर था उस दिन पढ़ा था मैंने, नानक नीवा जे रवे लगे न तत्ती वाह, वो तो ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें था भी मैं अगर सो जाऊं तो मेरी समाधि लग जाए, हैं मैं अगर चलता फिरूं चलूं फिरूं तो परिक्रमा हो तेरी, परिक्रमा ये धरती तेरी है प्रभु, जहां पे भी मैं चलूं ये परिक्रमा है मेरी, मैं सभी मंदिर ऐसा नहीं कि मंदिर गुरुद्वारा कोई मैं परिक्रमा कर रहे हैं, जहां चलूं फिरूं तो परिक्रमा हो, खाऊं पीऊं तो पूजा, ये था, चलूं फिरूं परिक्रमा हो, खाऊं पीऊं तो पूजा, सोए जाऊं तो लगे समाधि, भावना कोई दूजा, ये था, इस तरह का था मुझे, तो ये ऐसा सोचना चाहिए हर वक्त, प्रभु तेरी कृपा तेरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी मैं समय किसका हो गया है, तो ओम बापू शरदा राम जी, बहुत सुंदर चर्चा हुई, बहुत सुंदर बढ़िया, ये समय समय जिसको अगर क्वेश्चन हो, अगर मन में कोई ऐसा शंका हो या किसी तरह का संशय हो भी, हाँ ये मैंने पूछना है तो पूछ लिया करें, इतने बड़े सारे आप लोग ज्ञानवान बैठे, कोई ना कोई तो जवाब दे ही देगा। हाँ जी ऐसे करते हैं, भजन सिंह जी को पहले टाइम देके ना, फिर बाकी सारी लड़ी लगा देंगे भजनों की, ठीक है। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद, भजन सिंह जी अनम्यूट करके अपनी हाजिरी लगा लो। हर भजन सिंह जी, अरे संगत चरणा, जय बापू दी, जय बापू।
इस तरह के प्रसंगा ते चर्चा करना बड़ा जरूरी है और मैं भी महसूस करता सी कि आज बुद्ध प्रकाश जी ने बहुत खुल के जिदा लगता है कि सरस्वती इन्होंने अंदर आई सी बहुत समय तो है अर्ज भी कर रहे थे कि भाई मैं भी समय मिलना चाहिए गा साढ़े तो टाइम फिक्स हो गए ने सी तो अपना टाइम कढ़ लैने फिर भी इन्हों वास्ते जरा दिल की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी बापू ने बड़ी कृपा की हैगी है और असं चाहते हैं कि इस तरह जी आप भी 15-20 मिनट अंधा घंटा जोड़ा भी आप जी कहते ना इस तरह जैसा रूजी बहुत सोहने सोहने प्रसंग लैके आती है सरला मासी नागपाल जी भी बहुत सोहने सोहने प्रसंग लैके आते हैं ऐसे भजन के भी कोई ऐसी चीजी कोई चीज निकले तो वह आप जी वो अपने जरा जिस तरह अब विश्लेषण किया है इस तरह करो बड़ा चंगा लगता है